अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, की हाल है? ठीक हो? खरीयत है? तुहाडा भाई उरी भाई अज तुहाडे सामने हाजिर है। तो एक आप बीती कहानी सुना रहे हैं तुहानू जनाब जी। किंज असी पाकिस्तान तो जर्मनी पहुंचे सां, किंज असी बार्डर क्रॉस किए, की तरीके होए, किंज किंज कहानियां सन, और रस्ते दे विच साडे नाल की वाकई होए, वह सारी गल तुहानू सुना रहे हैं। मैं पहले पहले पार्ट दे विच तुहानू दस्सिया कि पाकिस्तान च किंज दे साडे हालात सन, असी किंज अक के इतों निकले कोयटा तक गए। दूसरे पार्ट के कोयटा तो मैं नौबदियान ईरान के एक शहर के इंटर होए स राती, किंज असी बार्डर क्रॉस किया, पार्ट टू सी। पार्ट थ्री के ईरान सारा किंज कवर किया, जिद तहरान शिराज इन सारा इलाकों के असी गड्डिया के उत्ते किंज सफ़र किया, किंज किंज पैदल तुरे। खैर असी अज तुहानूं दसांगे कि असी टर्की का बार्डर किंज क्रॉस किया। भाई जान असी ईरान तो जिस टाइम तेहरान तो चले सां तो असी बिल्कुल बार्डर के उत्ते आ गए। असी चार ही मुंडे सां सिर वे सजेंट दे, ते ओ जनाब जी जिस टाइम असी उत्थे बार्डर के उत्ते पहुंचे ना, तो एक घर जिहा सी उत्थे सानूं एजेंट लै गया। गड्डियां उन्होंने जाके ब्रेक लाई, उन्हें अपनी गड्डी दी अगे वेख्या ते अगे वाम ही वाम सी, वाह वाह कोई 70-80 बंदा सी अगे। ओ जी सारिया का पता लगा जी, इन्हां सारिया ने अज रात या कल रात दे विच एजेंट नहीं दसदा हुंदा वी अज तुसां जाणा, क्यों उन्हां दी कोई जरा जी मुखबरी हो जाए ना तो वह उन्हां दा ते करोड़ां दा काम हुंदा है ना। साडा तो एक अद्धे बंदे दा 5-5.5 लाख रुपए की गल हुंदी है, लेकिन उन्हां दा करोड़ां दा काम हुंदा। वह फिर इंज ही आंदे ने, बस अज कट देंगे कल कट देंगे तुहानूं। खैर असी शाम नूं उत्थे पहुँच गए, उत्थे एजेंट ने सानूं शाम नूं बिल्कुल सुबह सुबह पहुँचे असी उत्थे बार्डर दे उत्ते, दिहाड़ असी उत्थे ही रहे। तो शाम दे टाइम सानूं एजेंट ने दस्या कि अज असी टर्की दा बार्डर पार करना, जिहदा नाम अजकल टर्की है ना, तो उस टाइम तुर्की आंदे सानूं। ओ जनाब जी असी सुबह दे टाइम असी सानू ये शक है से भी इन्होंने शाम में ना टोरना शुरू कर देना। असी बड़े सुकून नाल असी दिहाड़ी सुते उत्थे, एक टाइम तो सानू रोटी भी लभी, खाना पीना किया। शामी उन्होंने वाकई सानू कह दिता कि अज असी क्रॉस करना। खैर जी असी उत्थे बर्फ सी चंगी भली पर पहाड़ों के उत्ते पई, उन्होंने जी सानू ना रात के टाइम मगरब तो बाद वाह वाह चांदनी रोशनी सी, कोई लैट शैट नहीं सी बाली दी। तो दरख्त इंजे नहीं सन जी पाकिस्तान च होंगे ने, वह पहाड़ पहाड़ इंजे नहीं सन भी दरख्तों वाले पहाड़ ना, ए सुके जी पहाड़ सन, तो उत्ते बर्फ पई सी। असी हुण जिहड़ा 50-60 मुंडा सी ना असी इंज टुर पे, अगे अगे एजेंट सी, पिछे पिछे असी सां, किधरे असी लैंड च हो जाते सां, किधरे कोई सज्जे खब्बे हो जाते सन। खैर मेरा नंबर ना कोई दूजे तीजे नंबर ते ही हुंदा सां, मैं आंदा सा भी यार चलो असी जल्दी जल्दी, वो जी मुंडिया नूं आंदा भी यार मैं जल्दी जल्दी किसी पासे बार्डर पार्क। खैर अगे अगे ही सन जोगर शोगर टैट किए सन, जोगर भी मेरे अच्छे सन, वो आंदे ने सर्विस फैक्ट्री दे जोगर ले सन असा, ते सारे बंदे नाल नाल ही सन। पर चढ़ाई बिल्कुल इंज ना सीधी तो नहीं सी, बिल्कुल 90 डिग्री तो नहीं आख सकते, बस वो नेड़े ही सी। बड़ी औखी इंज इंज बर्फ नूं फाड़ के कदी इधरों हथ भी इंज बिल्कुल आकड़ गए सन। करते करते खैर जी तकरीबन सुबह 2 दा टाइम हो गया होना, असी जिस टाइम पहाड़ी की पीक ते पहुंचे, यानी कि तुसीं अंदाजा ला लो कि असी 6 घंटे असी चढ़न चलाए ने सिर्फ पहाड़ी दे। 7-8 बजे असी टुरे सां, राती कोई 2 बजे के टाइम असी पहाड़ी की टाप के उत्ते पहुँच गए। जिस टाइम असी उत्थे पहुँचे ना, तो रस्ते दे होंदा सी जिहड़े बंदे पिछे रह जांदे सन ना, वह फिर एजेंट मगरों मुके कसुन्ने लत्तां ठुड्डे मार मूर के, तो उन्होंने आता सी चलो तेज चलो तेज चलो। मैं फिर मैं आता सा भी यार निकलता रवान सही है भी, जरा अगे टोर के रवान दाते चलो भी भला ही है भी, अगे ना कोई किसी को मुके खाओ तो ना किसी को गाला खाओ, मार दे भी सन जेंट चढ़े ना ये वो ना। जिस टाइम असी पहाड़ी की टाप से पहुंचे ना जी, उत्थे मैं ऐसा कोई वाकया वेख्या भी मैं हैरान रह गया।
ਉੱਥੇ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਪਈ ਸੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੇ ਜਾਣੇ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਇੰਝ ਨਾ ਮਾਸ ਉਹਦਾ ਇੱਥੋਂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖਵੀਤੇ ਆ ਸੀ, ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਪਰਿੰਦੇ ਸ਼ਰਿੰਦੇ ਵੀ ਗਸ ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਬਹਰਹਾਲ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਕੁਝ ਇਤਨਾ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਚੰਦ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ, ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਤੁਰ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਜਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾਏ। ਬਸ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਟਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਂ। ਭਾਅ ਜੀ 2 ਵੱਜ ਗਏ ਟਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਜੈਂਟ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸੁਬਾਹ ਆਉਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਥੱਲੇ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ 6 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ 3 ਘੰਟੇ 4 ਘੰਟੇ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਖੈਰ ਜੀ ਜੈਂਟਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੀ ਅਖੀਰਕਾਰ ਛੱਡੀ। ਬਰਫ਼ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ 2 ਬੰਦੇ ਜੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬੜੀ ਸਖਤ ਬਰਫ਼ ਸੀ, ਇੰਝ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਰੀ ਸਵਾਦ ਜਿੰਝ ਪਈ ਹੁੰਦੀ, ਬਸ ਪੋਲੀ ਪੋਲੀ ਬਰਫ਼, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਫਸ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਕੋਲ। ਉਹ ਬੜੀ ਹਾਰਡ ਜਿਹੀ ਬਰਫ਼ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਲਿਪਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਪੈਰ ਸਲਿਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜੀ ਇੰਝ ਥੱਲੇ ਜੀ ਇੰਝ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਝ ਘਸੀਟੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਾਹਲਾ ਕੋਈ ਢਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੈਂਟ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਪਿੱਛੋਂ ਧੱਕੇ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਇੰਝ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾਲ ਉਹ ਰੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ, ਬੜੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਲਿਪ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਲਿਪ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਐਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਇੱਧਰ ਮਾਰਿਆ ਇੱਧਰ ਮਾਰਿਆ, ਅਤੇ ਓਲਾ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਝਾੜੀ ਜੀ ਸੀ ਕਿਧਰੇ, ਓਲਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਉਰੀ ਬਾਈ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਥੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਨੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਹਾਲ ਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਖਾਈ ਸੀ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾ, ਬਸ ਕੁਦਰਤੀ ਓਲਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪਿਆ ਹੱਥ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿੜਦਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਓਲਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਰਿਆ, ਉਹ ਭਰਾ ਨੂੰ ਰਿੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਮੁੰਡੇ ਸਨ ਆ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਜਨਾਬ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਐ ਕੰਡ ਐ ਕੂਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਐਂ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਬੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਤਕਰੀਬਨ 60% ਮੁੰਡੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਵੀ ਜੇ 60-60 ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 32-34 ਮੁੰਡੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੀ, ਅਸਾਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉੱਧਰੋਂ ਡਰ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਤੁਰਕੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨਾ ਕਰ ਦੇ, ਕੋਈ ਇਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਏਜੰਟ ਬੜੇ ਡਰਾ ਕੇ ਖੜਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ ਫਿਰ ਜੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਜਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਰਡਰ ਲੈ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ 'ਚੋਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਗਏ। ਥੱਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਪਏ ਸਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਖੈਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਜੀ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਉਂਝ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਨਾ, ਕਾਰਾਂ ਜੀਆਂ ਉਹ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਏਜੰਟ, ਫਲਾਣਾ ਏਜੰਟ, ਫਲਾਣਾ ਏਜੰਟ। ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਏਜੰਟ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਹੀ ਨਾ ਗਿਆ, ਸਭ ਲੜਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ 4 ਉਂਝੇ ਦੇ ਉਂਝੇ। ਅਸਾਂ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਬ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਿਆ, ਅਸਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਏਜੰਟ ਆਵੇਦਾ ਇੱਥੇ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਡਾ ਏਜੰਟ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੈ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਾਉਣਾ, ਹੁਣ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ। ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਏਜੰਟ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ। ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਸ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਛੁੱਪ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੰਝ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਜਾਨ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੋਂ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੁਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ,
कुरदे होंगे ने उते कुरद एक उन्होंने तुर्की के नाल ही कोई वो है ने बंदे वो भाई जी बंदे फाड़ लेंगे ने बड़ा मारते हैं कान नक उंगलां वढ़ देंगे ने बंदे दियाँ पगर वाले फोन करते हैं आते ने पैसे भेजो फिर पैसे लेंगे ने कई बार पैसे लैके भी बंदा मार छड़ते ने उते सानू तो हूँ उन्हों का डर पै गया अस आख्या भावें तो सानू वो फाड़ के लै जा असी तो पैसा आप नू गए है भी असी चार ही सा उधरों असी हूँ उस जगह तो ज़्यादा दूर जाइए भी ना असी आखिए यार जे असी इतों टुर गए तो भावें सानू जो जेंट लैन आना है वो लैन आवे तो अगे असी नज़र ही ना आईए तो वह किधर वापस टुर जाए नवा काम शुरू हो जाएगा। भाई जी वो दिहाड़ असा ना पूरी इंजे लगाई है भी भुखण भाने सा बिल्कुल भुखे ते एक दो बारी बाद थोड़ी बहुत बर्फ शर्फ खा ली है तो बाकी होर उत्थे खाण पीन पते शते भी कोई नहीं सा उरी भाई भी तुहाडा बस है जो ना बस दिलों ना दिलों उरी भाई भी बस अपने आप नूं छड्ड दिता सी उरी भाई भी आख्या बस हुण गलबात कोई नहीं है हुण किधरे असी मर जाणा है जां फस जाणा है या सानू कुरदियां बड़ा डर सानू कुरदियां दा सी असां कहे जे उन्होंने सानू काबू कर लिया ना तो कभी नक् वड्डण दे कभी कन्न वड्डण दे की करन ते मगर वालिआं दा ते तुहानू दस्सिआ वी पैसिआं दा वी सबब इतना खास नहीं सी ते अल्लाह कीता जी जिस टाइम शाम दा टाइम होया ना मगरब तो बाद दे टाइम ते सानू आवाज़ आई है इन गड्डी दी ना असां इंज दरख्तां दे मुंड ते पिछा करके रुके सां एक एक करके ना एक एक दरख्त पिछे वे एक परां एक होर कोई दो तीन कनाला परां करके उत्थे सी एक दो तीन कनाल परां करके वी रोड दे दोहां पासे ना असी छुपे सां चारे पहला असी कट्ठे भी बैठे रहे फिर असां कहे यार कोई दूर दूर हो जाए भी ये ना हो एक फड़ी वे ते नाल सारे फड़ी जाइए वो खैर गड्डी आई हूँ डरे भी कौन है कौन नहीं खैर जी उन्हें गड्डी ब्रेक लाई उत्थे जिथे उन्होंने सानू लाया से उन्हें उत्थे साढ़े एजेंट का नाम बोलना शुरू कर दिया हाँ जी भी खान साहब के बंदे आ जाओ एक बारी बोलिया फिर असी चुप हो गए असी आख्या यार ये डर भी लगे खैर मैं तो भाई जी पहली आवाज उस लादा गया ना तो मैं तो स्पीड लाई मैं कह निकलो भाई इतों अपना ही एजेंट है जिन्हें एजेंट का नाँ लिया अगला साढ़े एजेंट का भाई जी उतों अल्लाह किया बड़ी उन्होंने आके दसिया जी असी उस आख्या बाकी चार त्रै कि जी असा मैं आख्या आवाज मारी मैं आख्या आ जाओ हाँ वो असी जी चारे मुंडे उन्होंने मिल गए खैर वो ये रात साढ़े ते बहुत मुश्किल सी अगू दिहाड़ भी बड़ी मुश्किल सी बहुत मुश्किल ने गुजारी हूँ अगला जोड़ा पार्ट होगा वो मैं तुम्हें तो दसागा कि मैं तुर्की चो अगे किंज गया ठीक है और जरा तुर्की तो फिर यूनान किंज मैं पहुंचा तो यूनान तो फिर अगे फिर सारी कहानी मैं तुम तो सुना तो हूँ तक बस इतना ही करने हैं बड़ी लंबी वीडियो नहीं करते अगर तुम्हें तो मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो ते चैनल नू मेरे सब्सक्राइब करो ते बैल आइकन जरूर प्रेस करो ताकि हर आने वाली मेरी वीडियो तुहानू मिले ओए सच्ची कहानियां ने परदेसियां दी कहानियां ने सुनिया करो ओ करम वाले ओ इत्थों ही ते कोई ए ते साडी जिंदगी दी कहानियां ने हैं अल्लाह अल्लाह हाफिज़ वस्ते रहो संगियो पूरी भाई दा सलाम।